डाइनिंग एरिया हमारे घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे फिर वो खाना खाना हो साथ में या फिर क्राफ्ट एंड आर्ट एंड DIYs करना हो बच्चों के साथ। डाइनिंग टेबल इज़ अ मल्टी फंक्शनल फर्नीचर इन एनी हाउस। क्या आपके मन में भी अक्सर ये सवाल आता है कि कैसे हम अपने डाइनिंग टेबल को सेट करें कि वो खूबसूरत तो लगे ही बट फंक्शनल भी हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका रतूड़ी और आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ आइडियाज़ जो मैं यूज़ करती हूँ डाइनिंग टेबल को सेटअप करने के लिए। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ और ऐसे आइडियाज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं टू स्टाइल योर टेबल जब आपके घर गेस्ट आ रहे हों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा डाइनिंग एरिया, एंड मैंने सोचा कि जब मैं इसकी सफाई कर ही रही हूँ तो मैं आपको भी पूरा डाइनिंग एरिया अच्छे से दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द स्पेस आई हैव एंड आई थॉट लाइक क्लीनिंग इट अप कम्प्लीटली। उसके बाद मैंने डस्टिंग भी अच्छे से कर लिया, फिर चाहे वो फ्रिज हो या कोई भी आर्टिफैक्ट्स, वॉल हैंगिंग्स या पेंटिंग्स हो, उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। नाउ द डाइनिंग एरिया इज कम्प्लीटली क्लीन एंड गुड टू गो। यहाँ पर मैंने एक नया रग लिया है डाइनिंग एरिया के लिए, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, एंड बिलीव मी मैंने इसके लिए बहुत सर्च किया। ये एक हैंडमेड जूट का रग है, इसका जो साइज़ है वो 6 feet by 8 feet का है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसका प्राइस वाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरा साइज़ ऑलमोस्ट अराउंड 3500 समथिंग का है। इसका थ्रेड वर्क बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो रग हमेशा हमें इस तरह से लेना है कि हमारी डाइनिंग टेबल और उसकी चेयर्स जब बाहर हों तो उसमें अच्छे से फिट आ जाएँ। हम जब इसे स्प्रेड कर रहे थे तो मर्जीना ने मेरी बहुत हेल्प करी और उसको बहुत हंसी आ रही थी कि वो वीडियो में इस तरह से क्रॉल करते हुए दिखेगी, बट इट वॉज़ फन टू डू इट विद हर। सो दिस इज़ द कार्पेट एंड आई होप कि ये आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका थ्रेडवर्क भी बहुत सुंदर है। इसके बाद मैंने कुछ प्लांट्स एंड ग्रीनरी जो मुझे बहुत पसंद है अपने घर में हर जगह, तो वो मैंने प्लेस कर दिया है। Now it's time for the dining table. So this is my dining table. तो इसको भी हम इस तरह से place करेंगे कि एकदम center में हो और सभी तरफ equal space छूटे। अब मैं chairs सारी place कर दूंगी। So this is now set on the carpet and it's looking very nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। So this is my teak wood table. ये जो डाइनिंग टेबल है ये पूरा सेट मैंने अर्बन लैडर से ऑर्डर किया था करीब 2 साल पहले, और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। वुड की फिनिश बहुत अच्छी है, वुड का जो थ्रेड ऊपर आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है एंड बहुत ही नेचुरल है। सो मुझे वैसे भी वुडन फर्नीचर्स बहुत पसंद हैं। आप में से किस किस को वुडन फर्नीचर्स पसंद हैं ज़रूर लिख कर बताइएगा। इसके साथ एक बेंच है और 4 chairs हैं। चेयर्स भी मैंने अलग अलग डिज़ाइंस की ली हैं। तो ये जो एक चेयर है ये ऐसे 2 chairs हैं एक्चुअली, और ये स्ट्रेट सिंपल चेयर है, मुझे इस तरह की ही चाहिए थी। मुझे कुशन वाली सीट्स नहीं चाहिए थी क्योंकि उनको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। सो दिस इज़ अ सिंपल वुडन चेयर एंड टेबल। जो बेंच है सिर्फ उसी पे टेपेस्ट्री एंड सीट है। उसके बाद ये वाली चेयर्स आप देखेंगे तो ये डिफरेंट डिज़ाइन की हैं। इसका डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा है, बैठने में भी ये बहुत कंफर्टेबल हैं। इसका बैक बहुत अच्छा है, थोड़ा नीचे को है इसका बैक, बट इसके जो लेग्स हैं वो मुझे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कभी भी टेबल लें तो इसकी चेयर के जो देख रहे हैं आप लेग्स थोड़े स्लैंटेड हैं, इसकी वजह से इसका साथ थोड़ा सा डर रहता है कि पीछे से जब हम निकलते हैं तो पैर कई बार फंस जाता है। तो उसके लिए मैं इसको हमेशा वॉल की तरफ रखती हूँ जिससे इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 chairs इस तरह की हैं स्ट्रेट, एंड 2 chairs हैं स्लैंटेड लेग्स वाली। तो आप चाहें तो सारी चेयर्स एक जैसी भी रख सकते हैं। और इसकी जो अदर साइड है वहाँ पर है एक बेंच।
चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैजुअली डेली रूटीन में मैं अपने टेबल को कैसे सेट करती हूँ। तो कई बार मैं यूज़ करती हूँ ये टेबल कवर। ये जो टेबल कवर्स हैं ये कॉटन के बड़े आसानी से हमें मिल जाते हैं, प्लास्टिक कवर्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये जो कॉटन के कवर हैं इनको हम इस पर स्प्रेड कर सकते हैं, और इनको ये कॉटन का है तो बहुत ही ईजी होता है मेनटेन करना, वॉश करना, और इसके बाद हम इसको सेंटर में डाल सकते हैं कोई भी मैचिंग रनर। इसके बाद मैं कई बार ये भी एक ऑप्शन रखती हूँ कि हम सिर्फ एक सेंटर पीस इसमें प्लेस कर दें, उसमें आप कोई भी बड़ा पॉट, कोई वाज या कोई इस तरह की बास्केट बड़ी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कोई भी रियल प्लांट या आप फेक फ्लावर्स भी लगाकर उसमें रख सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट पीस बन जाता है और सिर्फ यही टेबल पर बहुत अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं लेज़ी सुजन। लेज़ी सुजन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टू स्टाइल योर टेबल फॉर अ डेली रूटीन थिंग। तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे एक जग में मैंने फोक्स एंड स्पून रख दिया है, पिकल रख सकते हैं, एक वास रख दिया है छोटा सा विथ सम आर्टिफिशियल फ्लावर्स और सॉल्ट एंड पेपर, और मैं रख रही हूँ कुछ टिश्यूज़ और एक कैंडल, और इस तरह से हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप कहीं पे भी बैठें तो इसको इस तरह से रोटेट करके इजीली आप सॉल्ट एंड पेपर और जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसे पिकअप कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ विदाउट कवर सेटअप, तो इसमें मैं सिर्फ एक रनर रखूँगी, और अगेन एक स्टेटमेंट पीस के लिए मैंने एक वास रखा है लंबा सा, और उसमें मैंने कुछ ड्राई स्टेम्स हैं जो मैंने अपनी वॉक के दौरान ही कलेक्ट करी थी, और उनको वॉश करके इसमें अच्छे से लगा दिया है। एंड बिलीव मी, सिर्फ ये स्टेम्स ही बहुत ही क्यूट लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ एक ट्रे। ट्रेज़ अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपनी टेबल पे यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग इट एंड ऑल्सो फॉर यूटिलिटी ऑल्सो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसको हटा के क्लीन करना टेबल को बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। और इसमें भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड पेपर, पिकल, स्पून्स, टिश्यूज, वास, कैंडल, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेटर्स का। तो कोई भी हमारा जो सर्विंग प्लेटर होता है उसे भी आप एक सेंटर पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वाइट प्लेटर ले रही हूँ, और इस पर मैंने कुछ सिंपल कांच की जो बॉटल्स घर में होती हैं उसमें मैंने कुछ पेड़ अपनी कटिंग्स लगा दी हैं पानी में डाल के, उनको रख रही हूँ। साथ ही टिश्यूज़ एंड स्पूंस वगैरह एक छोटे से मग में डाल के रख रही हूँ। तो इस तरह से एक बहुत ही अट्रैक्टिव छोटा सा सेंटर पीस बन जाता है, जिससे हमें यूटिलिटी की चीज़ें भी मिल जाती हैं एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑल्सो। इसी में आप डिफरेंट कर सकते हैं कि आप प्लांट्स के साथ कैंडल भी लगा लें, टिश्यूज रख लें, स्पून्स रख लें, सॉल्ट एंड पेपर रख लें, एज पर योर टेस्ट एंड मूड आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम देखते हैं ये फॉलिएज का कॉन्सेप्ट। तो मैं कई बार हमारी सोसाइटी में कटिंग्स होती हैं जो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, मैं वो ले आती हूँ और उनको भी मैं एक सेंटर पीस की तरह यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ये मिट्टी का पुराना वास है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी मैं एक स्टेटमेंट पीस की तरह टेबल पर कई बार यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक छोटे से राउंड रख के ऊपर उसको रख दिया है और उसमें ये फॉलिएज लगा दिए हैं। आप किसी भी पेड़ की कटिंग ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, और उनको इस तरह से प्लेस कर देंगे तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये वही बास्केट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें मैंने ये जो कटिंग्स थी इसको टेप करके, और इसके अंदर मैंने एक जग रखा है, सॉरी वो क्लिपिंग में नहीं है, उसमें मैंने थोड़ा सा एक ग्लास है उसमें पानी डाल के रखा है और उसमें ये कटिंग्स लगा दी हैं। तो ये काफ़ी दिन तक इस तरह से सस्टेन करती हैं एंड इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल ऑन दिस। चलिए अब हम देखते हैं एक और ऑप्शन। तो यहाँ पर अब हमने पहले जो रनर था उसको वर्टिकली डाला था, यहाँ मैं इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ वाइज डाल रही हूँ, और इसमें मैंने एक छोटा रनर यूज़ कर रहे हैं, और इस पर मैं रख रही हूँ वही ट्रे हमारा। इसको आप किसी भी तरह से रख सकते हैं, स्ट्रेट रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्लैंटेड, एज पर योर टेस्ट आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और इसमें रख रही हूँ अब मैं एक मैचिंग जो रनर से और वुड से मैच करता हुआ एक छोटा सा जूट का बास्केट है, उसमें मैंने एक प्लांट रखा हुआ है वो रख रही हूँ। इसमें आप चाहें तो फेक फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। बेसिकली हमें अलग अलग साइजेस, डायमेंशंस और कॉम्बिनेशन के चीज़ें ही एक साथ रखनी हैं। तो सॉल्ट एंड पेपर भी बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं हमेशा रखती हूँ टेबल पे, एंड टिश्यूज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, और हमारा एक छोटा सा सेटअप रेडी हो गया है। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सेटअप अच्छा लग रहा है।
चलिए अब हम देखते हैं एक और ऑल्टरनेटिव टू सेटअप योर टेबल। तो यहाँ पर मैंने एक रनर लगाया है सेंटर में और अब मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ चॉपिंग बोर्ड। तो चॉपिंग बोर्ड भी बहुत ही एक अच्छा चॉइस है टू सेट योर टेबल एज अ सेंटर पीस। तो ना सिर्फ ये चॉपिंग एंड सर्विंग का काम करते हैं बट एक सेंटर पीस भी बहुत अच्छा बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक वास रखा है, एक कप में मैंने इसमें कुछ स्पून्स रख दिए हैं और यहाँ पर मैं कुछ सिनेमन स्टिक्स को मैंने एक धागे से टाई करके रख रही हूँ। इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है जब हम टेबल पर बैठते हैं, तो ये भी मैं जनरली बहुत यूज़ करती हूँ। और पिकल एंड कैंडल लगा दिया है, आप चाहें तो सॉल्ट एंड पेपर एंड टिश्यूज़ भी रख सकते हैं। सो दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट ब्यूटिफुल सेटिंग। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर ऑल्टरनेटिव एंड दैट इज़ अ टर्न टेबल और अ केक स्टैंड। ये भी हम एज अ सेंटर पीस यूज़ कर सकते हैं। लेजी सुजैन की तरह ये भी बहुत ही मल्टी फंक्शनल एंड यूटिलिटी का प्रोडक्ट है। इसको आप सेंटर में रखकर रोटेट करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर मैंने वही यूटिलिटी की सारी चीज़ें रख दी हैं। एंड बिलीव मी, ये भी बहुत ही अच्छे सेंटर पीस की तरह काम करता है और इसको आप इस तरह से रोटेट करके कुछ भी चीज़ पिकअप कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर ऑन द टेबल। साथ ही हम कोई भी बोल या फ्रूट बास्केट या फ्रूट स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, प्लेटर यूज़ कर सकते हैं टू कीप सम फ्रूट्स। फ्रूट्स ना सिर्फ एक कलरफुल एंड फ्रेश वाइब देते हैं टेबल को बल्कि इनको पिकअप करके खाना भी आसान होता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मल सेटिंग्स। तो यहाँ पर मैं इस तरह के जो मैट्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ, ये टिश्यू मैट्स हैं और ये मैं जनरली किसी फॉर्मल सेटिंग में ही यूज़ करती हूँ या डेक फंक्शंस या फेस्टिवल्स में यूज़ करती हूँ। तो ये सारे मैट्स मैंने लगा लिए हैं और इन पर मैं रख रही हूँ क्रॉकरी। तो मैंने एक डिनर प्लेट रखी है, उसके ऊपर एक क्वार्टर प्लेट सेट की है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर आप नैपकिन यूज़ करना चाहें तो इस तरह से फोर फोल्ड्स करके नैपकिन्स और उनके ऊपर स्पून एंड फोक सेटअप कर सकते हैं। साथ ही मैंने सेंटर में एक गोल्डन पॉट और उसमें कुछ प्लांट्स रखे हैं। आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं, अभी मेरे पास फ्रेश फ्लावर्स अवेलेबल नहीं थे तो आई हैव जस्ट प्लेस्ड अ ब्यूटिफुल प्लांट। और साथ ही कुछ कैंडल स्पेस की हैं एंड दिस इज़ माई वेरी सिंपल फॉर्मल सेटअप फॉर अ फॉर्मल डिनर। इसके अलावा आप अगर विदाउट नैपकिन सेटअप करना चाहते हैं तो इस तरह से स्पून्स एंड फोक को मैट्स पे टेबल के दोनों साइड प्लेस करके रख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं सेंटर पीस चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वही एक रेड पॉट लिया है जिसमें कुछ फ्रेश फॉलिएज लगाया है एंड कपल ऑफ कैंडल्स। यहाँ पर मैं और कुछ ज़्यादा सेटअप नहीं करती हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस ऑन द टेबल टू टॉक एंड टू सी ईच अदर एंड टू प्लेस सम फूड ऑन द टेबल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये सेटअप्स पसंद आ रहे होंगे। आपको जो भी सेटअप अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस्टिव सेटिंग। तो यहाँ पर मैंने एक कलरफुल फैंसी गोल्डन रनर, रेड एंड गोल्डन रनर डाला है टेबल पे और उसके ऊपर मैंने कुछ कैंडल्स प्लेस की है विद द कलरफुल रेड वास एंड कलरफुल फ्लावर्स। यहाँ पर मैंने कुछ वही सिनेमन स्टिक्स भी रखी हैं टू गेट अ फ्रेश फ्रेग्रेंस ऑन द टेबल। सो एंड ये कैंडल्स जब हम लिट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी फेस्टिव फीलिंग आती है। यहाँ पर आप साथ में रख सकते हैं कुछ फ्रेश फ्लावर्स लाइक गेंदा, रोज़। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना डाइनिंग टेबल किस तरह से सेट करते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।